हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर मॉम ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट किचन से हो रहा है। मैं बनाई हूँ उपमा, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट है। तो अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो आप साधना मिश्रा 2010 पे जाके इसका रेसिपी देख सकते हो, या आप बोलो तो मैं कमेंट करना, तो मैं फिर से आपको ये रेसिपी बता सकती हूँ। तो इसके बाद मैं आज लंच के लिए फिश का सोची थी, तो मैं जाके मार्केट से फिश लेके आ गई। इसके साथ मैंने आलू फ्राई, मुझे अच्छा लगता है तो आलू फ्राई भी मैंने काट के रखा हुआ है। और लंच में आज हमारा यही चावल, फिश और आलू फ्राई बनेगा। हम मेरे और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। ये सब करने के बाद मैं चली गई मार्केट करवा चौथ का तैयारी करने। तो यहाँ से मैंने मीठी मठरी से लेके नमकीन मठरी भरे पड़े थे, जो भी मुझे समझ में आया मैंने वहाँ से वो मीठी मठरी शॉपिंग करी। उसके बाद मैं सुहाग का सामान के लिए चूड़ी लेने आ गई। यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी, बैंगल्स भी थे, पर मुझे चूड़ी बहुत पसंद था तो मैंने चूड़ी बहुत सारा शॉपिंग करी। ये दिवाली का फ्लावर है जो अभी मैं देख के छोड़ रखी हूँ। जो यहाँ मार्केट का सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन पॉइंट था वो मेहंदी वाले का था। कोई भी मेहंदी वाला खाली नहीं था, हर जगह लेडीज बैठी हुई थी। खूब सारा मेहंदी लग रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो। नई नई वैरायटी मेहंदी की आ गई डिज़ाइन, तो लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे मेहंदी लगा के। और बाकी दिवाली का भी शॉपिंग हो रहा था, बट ज़्यादा आज मेहंदी और करवा चौथ की तैयारी मार्केट में थी। सब कोई कुछ न कुछ ले रहा था, मेहंदी तो सभी लेडीज लगा रही थी। और जगह जगह इस तरह का मठरी का दुकान भी लगा के रखा था। तो मैं भी यहाँ मछली तो मैं खरीद चुकी थी, और मुझे राम लड्डू पसंद है, मैं वो भी खाती हूँ। पर मेरा आज मन था खाने का मोमो, तो मैं मोमो खाने के लिए जैसी काउंटर पर गई तो इतनी सारी भीड़ लग गई, और भी लेडीज जेंट्स ज़्यादा थे। जो काउंटर पर एक लड़की रहती है वो मुझे देख के स्माइल करती है, शायद मेरे जाने से उसका अच्छा बिक्री होता है, तो वो मुझे हमेशा थोड़ा सा चटनी ज़्यादा करके दे देती है। तो